हाँ ठीक बा। हाँ हम देख ले, तू चिंता मत कर। हाँ चल। अरे बटुक, जी ओ का नाम रेहुले का के? हाँ आफ्ताब आफ्ताब, आफ्ताब ओकरा बोलो ले कि ना। जी बोलो ले बानी औते होई। बाकी सर एगो बात हमरा समझ में ना आई। का सर बिटिया के मदद तो आफ्ताब और विजय दोनों मिलके के ले रहे ना, तो आप खाली आफ्ताब के काहे बोलो ली। अब इतने तेरा समझ में आ जाए तो विधायकी की कुर्सी पे तू ही ना बैठते। अरे भाई राजनीति के चाल सामने वाला के ऐसे ही चौंका दे। अब देखा आफ्ताब बा मुस्लिम लीग, हाँ अगर वो हमारा साथ ज्वाइंट हो जाए ना तो अगला चुनाव में ओकरा पूरा कौम के वोट तो हमरे के मिली। वाह वाह ई भइलू बात है? अब जाके पता चलल कि राजा और प्रजा में का अंतर होला। हे दरोगा, नेता ही हम नेता। हाँ जी सरकार, नीति और कूटनीति के बारे में हमरा अच्छी तरह से मालूम बा। हमरा मालूम बा कि बारूद पटाखा में ज्यादा होला कि बम में। हाँ अरे ससुरा आफ्ताब तो बारूद के ढेर बा, ई जब फटी बड़का बड़का के फट जाए। सर आफ्ताब आ गई। हाँ आफ्ताब। हाँ वो बेटा आइए। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ वो बेटा। हाँ आफ्ताब। हाँ बोलो काले बर, ठंडा गरम कुछ? जी ना सब ठीक बा, कुछ ना चाहिए। बड़ा बहादुर लेके बड़ा तू। काल सुननी कि हमर बिटिया के बचावे खातिर कॉलेज में बड़ा उठा पटक कैला। जी हमको समझ नहीं ना। श्वेता हमरे बिटिया बाड़ी, हमरा बतौलस तोरा बारे में तो हम सोचनी कि बुला के एक बार मिल लिया जाओ। हाँ अब तोरा जैसा लड़का पे खास तौर पे हमर निगाह रहेला, एक रमन में इतना अच्छा विचार हो के। जी धन्यवाद। आफ्ताब अगर हमर माना तो तू हमर पार्टी ज्वाइन कर ला। अब भाई देखा थोड़े जैसे नौजवान के तो पूरा देश को जला। जी पहले पढ़ाई तो पूरा कर ली, ओकरा बाद में सोचब। हाँ बिल्कुल सही बात। ई भइलू बात एकदम ठीक। विधायक जी पहले पढ़ाए फिर कमाए तबे नु देश आगे जाए। सलाम। अभी तक ना आई ली? आ जाई है। कौनो कॉलेज बंद हो रहल बा का? और देखा ना हमारा आफ्ताब भी अभी तक आई ना। तू का हमेशा आफ्ताब आफ्ताब करत रहलू? तोरा का उनका घर का रानी बने गए का? ओए मां देखा राजू, हमरा के ना हर वक्त मजाक अच्छा ना लागेला। ई दिल के मामला बा, तोरा समझ में ना आई। उ देखा एगो जोड़ी तो आ गई। हाय हाय हाय। आज अकेले अकेले? अरे अकेले अकेले का साथ में नेहा नहीं की देखा? ना ना हमरा कहे का मतलब ही रहे कि आखिर आफ्ताब बाड़े कहाँ। अरे उ देखा आवता। हाय हाय हाय। अरे आफ्ताब श्वेता के साथे कहाँ से आवता रे? इनके घर से। का श्वेता के घर से? ओहो मतलब मामला सेट। उहे बुझा। अरे वाह 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 का लबड़ा, तू तो कम खत्म नहीं खा, चिपका के सटा के खड़ा बड़ा। वाह वाह किकरा की बनाओ मत रानी, तोरो नजर बहुत कुछ कहत बा। धत ऐसा कुछ भी नहीं खे। तो कैसन बरे ते ही बताओ जो हमसे का कहत हलिस।
कि तोर दिल नेहा पे आ गेल बा। और तू का कतर ले ला गई ले कि तोर दिल श्वेता ले गेल। अरे तो ऐसा बोला ना लोग, आग दोनों ओरे बराबर लगा। बात सही बात। चला चला चला। जहिया से दिहलू नजरिया से नेवता तहिया से मन पगलाइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा दिलवा बेचारा दबाइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा दिलवा बेचारा दबाइल बा। देहिया में होता वे फीलिंग लागे कि कुछ हेराइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा दिलवा बेचारा दबाइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाइल बा दिलवा बेचारा दबाइल बा। जब से सुरहवा के बॉर्डर बस में जवानी के न फाइल बा तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिल
दिलवा ही बचाता भाई लबा दिलवा बेचारा दबाई लबा तोहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता दिलवा बेचारा दबाई लबा दिलवा बेचारा दबाई लबा आप तब देख हम कहता नहीं ई नेता लोग के साथ काम मत करा काहे अरे भाई ये राजनीति बड़ खराब चीज होला और नेता लोगों के कोई ईमान ना होला आजकल के राजनीति के बारे में के नेखे जानत जे जितना बड़ गुंडा वो उतना ही बड़ नेता अरे यार ये सब बात छोड़ना यार ये सब बात भाई से मत बताइए ना तो अलगे गावे लगी ठीक बा और अब की जम के पढ़ाई करे के बा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ अब की लिखे के बा खूब हमरा एकदम लिखे के बा भाई कलम तोड़ देवे के बा अरे एक कलम ना चार चार कलम तोड़े के बा हाँ हाँ माय ठीक बा अब की लिखा ले देवे हाँ बिल्कुल बिल्कुल इला लोग दूध पीला और इतना रात तक जागे के कोनो जरूरत नहीं खे ला दूध पिया परीक्षा कपार पे बा सुबह जल्दी से उठे के बा ला सुज जा हाँ हमरे विचार से तो हमनी सबके पिकनिक पे जाए के चाहिए वाह वंडरफुल हमार दिल भी कुछ ऐसा नहीं कहा हाँ। बस बस हो गई फैसला कल हम सब लोग पिकनिक में जाए जाए लेकिन आफताब ना जाए तो हम ना जाए सही बात है आफताब और विजय के बिना तो मजा ना आए तू लोग कहाँ है चिंता करो ताड़ू आफताब विजय के लेके गेल हमारी जिम्मेदारी बा हम लेके चलो कबड्डी बोल के यार सीना खोल के पावर तू देखा दे राजा लेकिन के गोल के कबड्डी 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 चल सखी डोल के आज कबड्डी बोल के पावर तू देखा दे आज लेकिन के गोल चल खेले कबड्डी अइलू मनवा बढ़ा के चाचा का बर्तन करो घरे तू जा चल कबड्डी 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 चल क
आगा से धरबू तो सर रोक जाई दिता छा तोहके पहाड़ा बढ़ा देब दना दन दना दन दना दन गोली चढ़ा दे बड़े देखा इतना दिन चढ़ गई अबहिन ले नींद ना खुला ले नहन के आफताब आफताब विजय विजय बेटा सूता था आफताब उठ अरे ये तो कौनो लइकियन के फोन बा श्वेता नेहा सुता? अरे एकर फोन होई हाँ ना ना, ना एकर होई हमार चुप चुप जाप उठ के चाय पी ला लो और नहा धो के तैयार हो जा परीक्षा खत्म हो गई तो एकर मतलब ई ना कि आवार अगर दी शुरू कर दलो हेलो हाय ए जी रउआ बिना हमार मन नहीं खे लागत हमर ए जी तोहरा याद में हमके रात भर नींद ना आई हमरो हमरा मिले के बहुत मन करा था हमरो पूरा रात जगला से हमरा दहिया पी रहा था हमरो सुनी ना हमरा वो चाहे हमरो पूरा ऊपर से नीचे तक दुखा था हमरो अरे हमरा वो चाहे हमरो दोनों जो बना लहे लहे बथा था हमरो हमरा आइसक्रीम खाए के बहुत मन करा था हमारो इका हम
हमरो हमरो रट लगावले बाड इडियट का कहले रे हमरा वाली से अति का कहली है हमरा वाली से हम तो खोल देहनी तोड़ सारा पोल हम खोल देनी है तोरा वाली से तोर पोल केकर पोल तोर पोल हम खोल देनी तोर वाली से पोल पोल देखा बेटा तोहार बाबूजी पुलिस ऑफिसर रहन और उनकर सपना रहे कि तू पढ़ लिख के उनका नियन पुलिस ऑफिसर बना यही से हम चाहत आनी कि तू कौनो ऐसन काम करा कि उनकर सपना साकार हो जाए अरे माई ऐसने होई हम पूरा कोशिश करब कि बाबूजी के सपना पर खरा उतरी बाकी माई तू आज तक हमरा के इना बतौलो है कि आखिर बाबूजी के मौत कैसे भइल हम तोहरा के मना कैले रहली ना तू अपना बाबूजी के मौत के बारे में कुछ ना पूछबा जब उचित समय होखी तब हम खुद ही बताई ठीक बा माई गलती हो गई माफ कर दा अब से ना पूछब बाकी माई आफताब के बारे में तोरा से एगो बात पूछ के रहे का बात बेटा बोला वो आफताब नेता भानु प्रताप से मिलल रहे और ओकरा साथे काम करे के कहत रहे का? ना ऐसा ना हो सकेला हमारा आफताब ऐसा कौनो काम ना करी वो कौनो नेता वेता के साथ काम ना करी हम ओकरा के मना करब वो कौनो नेता वेता के साथ काम ना करी आफताब बेटा वो दिन तारी पर्स छूट गिल रहे जा ला जी घरे गनी अदेखनी तना रहे वो कहावत बाना कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया रुपया तोरे का दिलवा हाँ हाँ ले ला ले ला अरे रखा मर्दे काम जब से मर्जी है तब से कर जाए हाँ देखा आता बेटा आदमी जब हाथी पे सवार हो जाला ना तो उकरा साथ चले वाला के कद अपने आप छोट हो जाला बुझला है बटू जी हुजूर अरे धनी इनका पार्टी के सब आदमियों से मिला दिया भाई ताकि सबके साथ आफताब घुल मिल जाए हाँ हुजूर हे दरोगा जी सरकार ध्यान रखिए अपन बच्चा वा कौनो कष्टों के चाहिए करा हाँ जी सरकार ये भैलू बात राव राधे सर आखो पर सरकार हाँ जी चलो धनी हाँ चलो 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 जा बेटा अपन ख्याल रखिया और मस्त रह कोनो चिंता मत करिया जी सलाम 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 सलाम, सलाम। दर 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 कभी बेगाना सरकार मान गए नहीं रार पार्की नजर के लाइका काम के बाद अरे दरोगा तबे तो तू दरोगा बड़े और हम विधायक बनी वो तो बोल रहा बस बिल्कुल सही बात हा अगर तोरा माई के हम पसंद ना आई नहीं तो तारों के छोड़ेंगे परी का बात तो सुना अपने माई के नाराज करके कौनो काम नहीं की कर सकत और यो सच बा कि तोहरा के भी नाराज नहीं की देख सकत सच में हम तोहरा खाते अपने माई के गोड़ पर नाक तब तक रगड़ब जब तक ले तोहके स्वीकार न कर लिए मतलब हम तोहरा सच में पसंद बानी आई लव यू आई लव यू टू Ta
बदनाम बदनाम की जवनिया होई जा, ए जा बदनाम की जवनिया होई जा। सरी होश न रहे हो जाई गड़े बड़े मनवाई कहे चाहे कुछ हो ही राजा आज हो जाई दा अपना बहिया में हमरा की खो जाएगा कभी गाड़ी चाहे सारा तुहरा बदनाम बदनाम की जवनिया होई जा ए जा बदनाम की जवनिया होई जा। बात गोरी बढ़ी जाई बात हो मनवाई खोजे लगी रोज मुलाकात हो अपने छतिया से हमके सटा लपिया तोहरे ना पे ए हो राजा अब धर के जिया तुनो जानी ये हो थानी हो जाई बदनाम बदनाम की जवनिया होई जा ए जान बदनाम की जवनिया होई जा। नेता वेता के साथ काम करे की कोशिश कर ले तो। लेकिन माई हमरा समझ में नहीं आवत कि आखिर में बुराई का बा। बुराई और अच्छाई के तर्क हमरा साथे करे की जरूरत नहीं खे। एक बार कह देनी कि नेता के संगे काम नहीं खे करे के तो बस नहीं खे करे के। ठीक बा माई, अगर तोरा पसंद नहीं खे ना तो हम ओकर पैसा लौटा दे। और एक बात के ख्याल रखिए, जौना दिन हमरा के पता चलल कि तू हमरा से छुपा के कोनो ऐसन वैसन काम करता रहा, ओ दिन से हमार तो हर रिश्ता खत्म। माई ऐसे मत बोलो, हम ऐसन कोनो काम ना करब जौना से तोहरा और विजय के दिल के ठेस पहुंचे। ए ईगा सुनत नहीं रे हम हां रउआ एकदम ठीक सुनता नहीं सरकार, वो अब तब आप रउआ साथे काम ना करी। हाई देखी राउर पैसा लौटा देलस। हमारा साथ काम ना करी ही कैसे हो सकेला, काम तो ओकरा करी के पड़ी वरना बहुत महंगा पड़ जाए। काम करे खातिर ढेर सारा लड़का मिल जाए हमसे रहुआ तक खा मखा परेशान बहुत बनी विधायक जी। ढेर सारा लड़का ना
खाली आफ्ताब चाहिए हमें, आफ्ताब। ओकरा शायद मालूम नहीं कि हमरा नजर में जे एक बार बस जाला वो हमार हो जाला, और फिर ओकरा हमरा इशारा पे ही नाचे के पड़े, काम तो करी के पड़ी ओकरा। अच्छा विजय, तू जो पुलिस की नौकरी की खातिर इंटरव्यू दे ले रहला, ओकर का भेल? आजकल में ही लेटर आवे वाला बा, देखा का होता। भगवान करे जल्दी से फाइनल हो जाए। काहे अब अकेले नहीं खेल रहल जात का? धत तोरे तो हर वक्त मजाक सोझेला। अरे हमार जान, नाराज काहे होत बाड़ू? सच तो ई बाकी अब हमरा से भी अकेले नहीं खेल रहल जात। जा, हम तोरे से बात ना करो। खैर ई सब छोड़ा, एगो बात जान तारू। का? आफ्ताब श्वेता के बाबूजी से मिलल रहे, और श्वेता के बाबूजी आफ्ताब के अपन साथे काम करके कहत रहले। आफ्ताब तो रेडी हो गल रहले, लेकिन माए अपना कसम दिला के कहली कि कोनो नेता वोता के साथ काम करे के जरूरत नहीं खे। तो ठीक तो कहली माई, आजकल के नेता सन के नहीं खे जानत। ई बात तो हमू आफ्ताब के समझौले रही, पर पता ना वो काहे काम करे खातिर तैयार हो गई। लेकिन एगो बात हमरा समझ में नहीं खे आवत कि नेता के नाम सुन के माई काहे इतना नफरत करे ले। और जो दिन माई के मालूम पड़ी कि आफ्ताब नेता के लड़की से प्यार करेला, तो वो दिन जाने का होई। ई बात तो बा, खैर सब छोड़ा, हमरा के आइसक्रीम खाए के मन करा था। का आइसक्रीम खाए के मन करा था? हाँ अभी आइसक्रीम खाए के बाटे। आइसक्रीम खाए के मन करा था। आफ्ताब बेटा, अरे भैया मैं का सुन रलवानी कि तू हमरा साथ काम नहीं के करे के चाहत। ठीक बा भैया, काम नहीं के करे के चाहते ही में कोनो जबरदस्ती थोड़े बा, लेकिन अब एक दूसरा से मिलला जुलला छोड़ल ये ठीक नहीं के बेटा। देखी मिले में कोनो दिक्कत नहीं है, बात ऐसा बा कि हम अपने माई के खिलाफ कोनो काम नहीं की कर सकत। माई? हाँ बेटा, हम अपन माई के इच्छा के पूरा कई ली था, असल बेटा के फर्ज होला। अच्छा बा, अच्छा बा, अच्छा बा। साहेब, राव लेटर। एक काम करे बेटा, कल हमनी के एक पार्टी बा, आजा तू मिले जुले खातिर। जी ठीक बा, हम जरूर आ जाब। जी प्रणाम। एजा साइन कर दी। चल तनी। माई। हाँ बेटा, का बात बा? माई। अरे बतावा ना का भइल? माई का हमनी के विजय इंस्पेक्टर बन गई। इंस्पेक्टर बन गई विजय? ये देख देख माई, हमनी के विजय अब इंस्पेक्टर बन गई। हाँ विजय, का बात बा भाई, बहुत खुश दिख रहल बाड़ा लोग। ला खुदे देख ला। अरे माई, हम इंस्पेक्टर बन गई नी। हम इंस्पेक्टर बन गई नी। अब इलाका में देख कितना हम धूम मचाओ तानी। आओ चल चल।
ठीक रहली ना, मजा आयल? और बेटा कहाँ सोचला हमारा साथ काम करे के बारे में? जी हम अपने माई के खुशी खाती कुछ भी कर सकत नहीं, ओकरा खिलाफ नहीं की जा सकत, और हमारे माई के आदेश बा कि हम रोल इनके साथ ही काम ना करें। अरे रुका रुका, ऐसे किसे बेटा, हमारा पास आयल बड़ा। अरे नाच गान तो हो गई, अब तने कुछ खान पान भी हो जाए। हाँ जी ना, आवा आवा, शर्मा मत आवा। अरे ज्यादा सोचे के ना बेटा, बैठा मंत्री। हाँ अच्छा बेटा, ये बतावा कि तू विधायक जी के साथ काम करे से काहे मना कर देला? जी माई के नेतागिरी पसंद नहीं के। ये काहे? पता ना काहे, वो सब तो पता नहीं के हमके, लेकिन हम माई के इच्छा के खिलाफ कौनो काम नहीं कर सकत। ओ अच्छा अच्छा, एकर मतलब कि तू अपना माई से बहुत प्यार करेला। जी पर हमनी के तो सुन ले रही कि तोहार अपन माई ना है। जी मतलब कि? मतलब चाहे कुछ भी होके, लेकिन हमरा खाती हमारी अपनी माई से भी बढ़ के बड़ी। मतलब कि तू उ माई खातिर कुछ भी कर सकेला? जी जान ले भी सकीले और दे भी सकीले। अरे क्या बात है बेटा, वाह, एक माई के बारे में इतना अच्छा विचार बेटा के मन में, खुशी फैल हमरा। लेकिन का है ना बेटा कि हम तारा एक थे वीडियो दिखावे के चाहते हैं, तारा खातिर देखल बहुत जरूरी बा। ओकरा बाद तो खुद ही डिसीजन लिया कि हमरा साथ काम करब कि ना करब। पहले ला अरे शर्मा मत, हम जाना तानी कि तुम्हार पति इंस्पेक्टर राजीव वर्मा के दोस्त पर। अब देरी मत कर जान, जल्दी से अपन साड़ी खोला, अब बर्दाश्त नहीं के होत हमरा से। अब जाने मन जल्दी खोला, तुम्हार पति के हम बचा नु ले। हम नखरा मत कर, जितना जल्दी हो सके खोल। आगे आगे माई, फिर नखरा करे लगलू। अरे जल्दी खोल, देखा कौन देनी कि तुम्हार पति के हम बचा ले। हम बस ऐसा ही करो जैसा हम कहो तनी, ठीक ना? जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया। और आओ 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 नीचे वाला। अरे बेटा बैठा बैठा, एकरा तोड़ला से कहो बहुत सीढ़ी में उमरा लगे। आराम से कहो मंत्री। और जाना तड़ा में आवाज के करवा, वो आवाज हमार हो मंत्री। शांत हो जा आफ्ताब, शांत हो जा। अगर तू चाहताड़ा कि सीढ़ी के किस्सा हमनिये के तीन आदमी भरी रहो, तो जौन हमनी के कहतनी उहे तू कर, ना तो कल पूरा बाजार में एकर कॉपी फैल जाई और फिर पूरा दुनिया देखी सीडी। आगे तू खुद समझदार बड़ा, तू का करल चाहबा। और हाँ बेटा, ये तेवर जौन बतोहार जे हमनी के लगे दिखौला है, ये तनिक हमनी के साथ काम करे में दिखौता ना, तो तारो भी फायदा होइत और हमरो फायदा हो जाए। आराम से ठंडा दिमाग से जाके घरे सोच के ओकरा बाद आके जवाब दिया। जा बेटा आराम से सोचिए, जा। अगर इकनी की खत्म करे के बा
दोनों के कनी के बात मान जाए के चाहे चाहे जो भी हो जाओ, लेकिन अपनी माई के इज्जत पर आंच ना वे देन। अरे बीजे चला, जल्दी आवा। बेटा, खाना खाली हल करी है, अपन ख्याल रखी है। माई, बचपन से लेके आज तक हम तू दोनों के साथ ही रहनी है, कभी हम अलग ना रहनी है। और आज अचानक ना जाने क्यों बिल्कुल निक निके लागत। बेटा, तू दूर कहां जान पाड़ा, तू तो अपने बाबूजी के सपना पूरा करे जान पाड़ा, आफ्ताब के और हमार चिंता ना कर, दिल छोटा ना करो बेटा, उदास मत होगा। और बेटा, अपन ख्याल रखियो, समय से खाना खा लियो। हाँ माई, हम अपन ख्याल रखब, बाकी तू। अरे बाकी तू छोड़ा, बाकी ता माई के ख्याल रखे खाती हम मानी ना। हाँ, तू यह तो देखिए हम माई के कितना ऐश्वर्य में रखब। हाँ माई, आप तो आपके ख्याल रखियो। अरे यार, अरे तू लोग तो ऐसे रहता रहा जैसे लागत था कि तू बेटी भी दा करता हूँ। चला बीजे जा। आवा। प्रणाम भाई। खुश रहा। अपन ख्याल रखियो। हाँ माई, तू ख्याल रखियो। आप समझ में आई कि वो दिन के रात माई यही लोगन के पास से भाग क्या होता ली और हमसे और हमरे अम्मी से तकड़ा गई ली। आगे मत बढ़िए, नहीं तो मार दे। आगे मत बढ़िए, भज्जा नहीं तो मार दे, भज्जा। जान तो खुदा के अमानत होला, और जब तक उनका इशारा ना रहेला तब तक ये शरीर में रहेला। जहाँ उनका इशारा होला ये शरीर छोड़ के रुखसत हो जाला। बहन, लेकिन 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 के टाइम नहीं के बहन, हमार बेटा आफ्ताब के रहुए सब कुछ बने रहो, हमार बेटा के सब बेटा, ये विजय हमार बेटा और तुहार भाई, आज से तू हमार दूसर का बेटा, बड़ा बेटा जैसन विजय वैसन तू। लेकिन विजय से ज्यादा तू हमारे दिल के करीब रहबा बेटा। एक बात याद रखियो, ये सब बात विजय के कभो ना बताइयो। हाँ, और तू भी ये सब भूल जा बेटा, भूल जा। शिकार करे के बाद जंगल में समाही के परी,
अगर ये दुगलन से बदला लेवे के बना देखनी के घर में घुसे के परी। अब एकनी से एक माई के ना दो माई के बदला लेवे के भाम के। तू ठीक कहता रहा आफ्ताब, उनन के सबक सिखावे खातिर करल जरूरी बा। तू आगे बढ़ा आ तुहारी दोस्त हमेशा तुहार साथ दे। चौधरी तोरा मिलो 7 साल पहले के लड़की के बात याद बा। आफ्ताब माइकलाल कैसे कैसे? अच्छा छोड़ो, जैसे ही सभी अला बैठा 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 बैठा। विधायक जी, हम यहाँ बैठे खाते नहीं आई। कुछ बोले के चाहता ना? बोलो ना। हम रोलोइंग के संगे काम करे खाती तैयार बानी। तू हमरा साथ काम चौधरी जी हमरा साथ काम करी लेकिन हमारी को शर्त बा। बोलो शर्त कहा? हमरी माई और हमरे भाई के पता ना चले कि चाहिए कि हम रोलो इनके संगे काम करता नहीं। ही बात हाँ तई में फिकर करके कहा बात भाई, पता ना चले किकरो कानो कान खबर ना हो। हाँ चौधरी जी। जी विधायक जी। एक काम कर जी, काल से आफ्ताब तहरा कंपनी में काम करके हमरा काम के अंजाम दी बुझला। जी जी हम कुछ समझ नहीं ना। अरे मैं समझे बुझे के क्या बात है यार, ही तरह साथ काम करी थे लोग के थोड़े पता चले कि हमारा आदमी है बुझला। काल से तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करी। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल समझ गई नहीं, बिल्कुल समझ गई नहीं विधायक जी। हाँ तो आफ्ताब बेटा वो हमार पिए जे बटुक बा ओकरा से काल मिल लिया, वो तहरा सब चीज समझा दी कब का कैसे कैसे करे के बाद है ना। जी ठीक बा चला तानी। हाँ। सलाम 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 चौधरी। वो बात मालूम है ना कि वो रेगिस्तान के वो जो जहाज होला ऊंट, वो भी जब ऊंचा पहाड़ के नीचे आवेला ना तो करकत भी एकदम भेड़ बकरी जैसन हो जाला। जैसन विदाई जी जूता गोड़ में अकुत्ता जोन बा उ गोड़ के आसपास ही शोभा देला। आज से आफ्ताब ना अबू बेटा आफ्ताब। हाँ माई। इतना बड़ा बंगला, अरे इतना आलीशान, बहुत महंगा हुई ना बेटा। सलाम साहब। सलाम मालकिन। इतना बड़ा घर, बाकी
तोहरा लगे इतना पैसा आयल कहाँ से बेटा जे इतना बड़ा बंगला खरीद लेला? माई वो सब छोड़ा, ये बतावा कि तोहरा घर कैसा लगल? घर तो बहुत अच्छा बा, बाकी बेटा? बाकी हो के कुछ ना, चलाओ बैठ, चला। देखा हमार मालिक हमारा काम से खुश होके ई घर हमके इनाम में देले बड़े। और हाँ, तोहके अपना बेटा पर भरोसा नहीं के? आए चला बैठा। बेटा हमरा के भरोसा बा, बाकी यही उम्र में तो गलत रास्ता पे कदम जाला, यही से पूछ ली हूँ, कौनो गलत सलत काम तो नहीं खे करत पड़ा ना? माई हम कौनो ऐसा काम ना करब जमना से तुहार सर झुक जाए। हाँ मालिक। हाँ बाहर एगो पुलिस वाला आयल बा। हाँ पूछा था आफ्ताब के नया का घर यह है का? पुलिस? बाकी पुलिस का है? ठीक बा, भेजता। जी साहब। अरे भाई डीजे। और भाई खुश रहा बेटा। अरे यार तू तो हमारे डरवाइये दिला एकदम से। का है कौनो मर्डर कैले बड़े का? अरे ना है यार ऐसा कौनो बात नहीं के, ना घर में पुलिस वाला देख के ता केहू भी डेरा जाला। अच्छा ये बता ये सब हुलिया माई? अरे विजय बात ऐसा बना बिल्डर लाइन में ये सब हुलिया बनावे के परेला, कंपटीशन के जमाना बा बुझाइल। और माई देखा अपन विजय वर्दी में कितना खूबसूरत लगता। हाँ बेटा आज तो हर बाबूजी रहते तब फूला ना समयतन तारा के देख के। माई एक तब विजय कितना दिन बाद घर आइल बा और तू ओकर स्वागत आंसू से करत तारू? अरे पगला ये खुशी के आंसू बा जौन आशीर्वाद बन के हमरा आंख से बह रहल बा। चला विजय आओ तो। हेलो। हाँ आफ्ताब देख बहुत जरूरी बात बा, तू चुपचाप यहाँ घरे आ जाओ। हाँ हाँ हम आवता नहीं। अरे केकर फोन रहे? अरे विजय हमरे मालिक के फोन रहला, कुछ जरूरी काम आ गेल बा, यही से मिले खाती बुलाओ तारे। हम चला तानी फिर बातचीत होई बाद में। अरे आफ्ताब लागता बहुत व्यस्त रहत बड़े, इतना बड़ घर गाड़ी, अरे कौनो लॉटरी के टिकट लागल रहे का? अरे हम पुरन का घर पर गई नी तो हमरा के पता चलल आफ्ताब नया घर ले 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 बा। अरे का कर यार बिल्डिंग लाइन में बहुत पैसा बा और अल्लाह के रहमो करम से बहुत अच्छा चलता। माई तू बीजे के खाए के इंतजाम करा तबले हम मिल के आओ तानी। ठीक अरे आफ्ताब एक और खुशखबरी, अब हमनी एजा साथे रहब, हसब खेलब फिर वही मस्ती करब। कहा है कि हमार पहल का पोस्टिंग यही शहर में भइल बा। हाँ भइल। अरे हाथे भाई। हाँ अच्छा अच्छा भाई। हाँ बेटा विजय के खाना होना खिया वो, तब तक ले हम मिल खिया होता नहीं। ठीक बा बेटा। माई जल्दी से हमरा के खाना खिया दे, हमरा बहुत भूख लागत था, हमरा डीआईजी साहब से मिले के जाएगी बा। हाँ बेटा अभी हम तोहरा खातिर बेसन के हलवा बनावा था। ठीक है माई। तोहार मन पसंद। ससुरा यह कुता माधव शुक्ला हमरे पार्टी में रहला और ससुरा हमरे पत्ता काटे के चक्कर में लागल बा। हमार टिकट यापन बेटा बबलू शुक्ला के देवे के चक्कर में बा। इतना जान ले आफ्ताब
अगर ये टीका टकरा बेटा के मिल गई ना तो समझ ले कि हमार कुर्सी गई बड़ा बूट ला दे हैं? और आज बड़ा संजोग से वो अपन पार्टी के काम से यही शहर में आई बा। उका नाम हाँ नटराज होटल में ठहरल बस बारात निकाल दे ससुर के। बारात तो निकली विधायक जी, लेकिन दुल्हा टोली पर ना अर्थी बजाई। आफ्ताब बस तू हमर काम कर दे। देख बेटा, 5 साल अगर और हमर कुर्सी रह गई ना तो समझ ले पूरा शहर के नक्शा बदल जाए। अभी जो बहुत काम करे के बात हो रहा। सलाम 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 सलाम। ए चौधरी जी, का कले रली तो रहो कि आफ्ताब ससुरा बारूद के ढेर बा फटी तब पता न कितना कितना के पार दी। साहब बोलो। इंस्पेक्टर तिवारी जी फाइल भेजोलन हा। सर सुना मैं आवत था कि हमने के थाना में कोनो नया इंस्पेक्टर साहब आवत बानी का। तुमने सही सुना है, उसका नाम इंस्पेक्टर विजय है और वो इसी शहर का रहने वाला है। ये तो बड़ा नीमन बात सुनाओ ली सर। अब हम जाए सर? जाइए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम इंस्पेक्टर विजय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इंस्पेक्टर। इस शहर को तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर की बहुत जरूरत है। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत खुशी हुई है सर कि मेरी खुद की पहली पोस्टिंग अपने ही शहर में हुई है। देखा, तैयारी में कोनो कमी ना होके के चाहिए। जी नहीं सर। ये बार टिकट हमरे बेटा के ही मिली। हाँ समझला ना? जी जी। तू लोग जी जान से चुनाव की तैयारी में लग जा। जी समझला ना? जी नहीं सर। हाँ कोनो कमी ना होके के चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। जय हिंद सर। हाँ बोलो तिवारी। सर अभी अभी पता चला है कि नटराज होटल के सामने एमपी माधव शुक्ला जी का कौन हत्या कर दिया है। क्या? जी सर। ठीक है, तुम फौरन वहां पहुंचो, मैं इंस्पेक्टर विजय को भी वहां भेजता हूँ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ सर? नटराज होटल के सामने किसी ने एमपी माधव शुक्ला को गोली मार दी है। तुम एक काम करो, फौरन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचो। ओके सर। रामलाल जी सर। नेता जी तो निकल गए ले। वो तो दिखा बस सर। ला सारो आ गए लो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। कुछ पता चला? ना सर। सरेआम केहू गोली मार के चल दिया लस, और केहू के पता ना चलल? हाँ हम बताओ तनी साहब। तू के हवा? हम नेताजी के साथे रहली। अच्छा तो का देखला? एक नकाब पोश आदमी आयल और गोली मार के चल गई। कितना लोग रहे? हाँ साहब वो अकेले रहल। चालू कर तेरा मौसी के माथ भानव। हाँ हो गई हो गई हो गई हो गई। चल चल
लागता रुयारी बोला के करे सी न बगीरी बिजली के तार तू त लागता रुयारी बोला के करे सी न बगीरी इंस्पेक्टर विजय, हुआ क्या था? सर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों से मालूम पड़ा है ये सब के पीछे नकाबपोश था। इसका मतलब है कि इस वारदात को भी अंजाम अबू ने दिया है। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, वन क्वेश्चन, क्या शहर में खून खराबा इसी तरीके से होता रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लोग इसके पीछे हैं और हम ये वादा करते हैं कि उनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमारा डिपार्टमेंट इस सब के पीछे बड़े सक्रिय रूप से काम कर रहा है और बहुत जल्द हम गुनहगार को सामने लेकर आएंगे। शहर शहर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है सर, शहर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस आखिर कर क्या रही है बताएंगे आप? आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और गुंडे मनमानी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस शहर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के रहते हुए वो असुरक्षित बिल्कुल महसूस ना करे। लेकिन सर इसके पीछे किसका हाथ है? आखिर कौन है वो लोग जो ये सब आतंक फैला रहे हैं? हैं, चंद लोग हैं जो अपने स्वार्थ और बदले की भावना को अपना रंग देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द गुनहगार को आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन सर, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, आप लोग जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर विजय। यस सर। जो होगा देखा जाएगा, मैं ऊपर मिनिस्ट्री में बात करूंगा। आई वॉन्ट क्राइम फ्री बिहार, तुमसे जो हो सके करो, हो सके तो सारे गुंडों को अंदर कर डालो, अगर जरूरत पड़े एनकाउंटर कर डालो। ओके सर। हाँ जी बोल। आताप भाई, बुरा खबर बा। का बात बा? इंस्पेक्टर विजय लोटिया इकबाल के सारा गोदाम के तहस तहस कर देले और ओकरा के मार भी देले। का बा कतारे? हाँ भाई, ठीक बा, हम नेता से बात करत हनी। हाँ बोल आफ्ताब। विधायक जी, का होता सब? का हो रहा है मतलब? हम विजय के बारे में बात करा था नी। विजय मतलब तोहर अपन भाई विजय? हाँ। कुछ बोलस का हो? हम ओकरा कहला के बारे में ना, कहला के बारे में बात करा था नी। पूरा शहर में तूफान मचौले बा और आज तो वो हाथे का दहलस, हमार खास आदमी लोटिया इकबाल के मौत के घाट उतार दहलस। तही बात बा। विधायक जी, होम मिनिस्टर साहब से कह के ए शहर से कौनो और शहर में ओकर ट्रांसफर काहे नहीं की करवा दे। अरे बेटा, बाहर के ट्रांसफर का तो बोल तो सीधा ऊपरे ट्रांसफर करा दी का। विधायक, अपनी आवाज के अपने हलक में दबा के रख, ऐसा ना होके कि तोरा आवाज के खींच के तोरा गला के फांसरी बना दे। हम तोहरा खाती काम करेली,
एकर मतलब ई ना भइल कि हम और विजय हमर भाई है। आइंदा अगर विजय के बारे में कुछ भी बोले के कोशिश कैले ना तो सोच ले तोर बूटी बूटी काट के कुत्तन के खिला दे। अच्छा कुत्ता की औलाद हमरे कुत्ता और हमने पे भाव भाव हैं ऐसे टिकवा दवाई में ससुरा कि ऊपर के सास ऊपर और नीचे के सास नीचे अटक के रह जाए दुगला ससुरा। चाप हमरा के धमकी देता है और ये निके समझत कि पूरा के पूरा रिमोट कंट्रोल हमरे हाथ में बा। एक बार बटन दबाई ससुरा का चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाए दुगला कहीं का। केकर चिथड़ा चिथड़ा उड़ावे के बात हो रहा हलवा विधायक जी आफ्ताब के। हाँ आफ्ताब के। हाँ उस सर के फोन पर शायद कुछ गलत बात कह देले बा। ऐसन का कह देले औकात भुला गिल बा ससुरा चेतावनी देता हमरा कि हमर जीवान खींच के गर्दन के फसीदी बना दी। अरे बीच चौराहे में ओ दोगला के पिछवाड़े में डंडा डाल के ना खड़ा कैनी ना तो भानु प्रताप नाम ना हमार। एकरे कहल जाला विधायक जी कि सांप के कितनो दूध पियावा लेकिन वो फुफकारे से बाज ना आए। अगर फन लेके ना कुचल दे हम अब देखल जाए कि का हो या। सरक के लधोती देखिए कहीं पेशाब ना उतर जाओ। विधायक चाहती ना तो ये गोली तोरा खोपड़ी में भी डाल सकता नहीं है लेकिन आ तोरा जिंदगी के फिल्म अभी बहुत बाकी बा और तोरा से पुराना हिसाब भी तलेवे के बा। और एगो काम ते गलत के ले बड़े ते गलती से कुत्ता के जगह पे शेर पाल ले ले बड़े। अर्जुन जहिया इसे आदमखोर हो गेल ना त काटी ना सीधे फाड़ दी। बोला भानु प्रताप। मंत्री जी ये आफ्ताब बा ससुरा बहुत फड़फड़ाए लागल बा चोच मारे लागल बा ससुरा। चिंता करे के कोनो बात नहीं है भानु प्रताप फड़फड़ा रहल बा तो ओकर पंख कुतर देहल जाई। हम लौट के आ रहल बानी तब तक अपना गुस्सा के कंट्रोल करा बुझाइल। अरे मर्दे कंट्रोल तो रखबे करब हम लेकिन इस ससुरा के बारे में अगर कुछ ना सोचल ना तो आफ्ताब नाम के कांटा हमने के गर्दन में फंस जाए। राजनीति के दांत बहुत मजबूत होला भानु प्रताप कांटा कितनो भी नुकीला होके उ चबा के गटक जाला। हमार रहल बानी तो बातचीत होई। जयराम जी की वेल डन विजय वेल डन तुमने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे ऊपर फक्र है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करके तुम पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करते रहोगे। थैंक यू सर। पापा शहर में हर पुलिस वाला अगर विजय की तरह हो जाए तो शहर में गुंडों का जीना मुश्किल हो जाएगा। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। सर मैं इस उम्मीद को कभी टूटने नहीं दूंगा। विजय मैं भी यही चाहूंगा। पापा मैं अभी आई। अच्छा सर चलता हूं। I am proud of you, Vijay. Thank you, sir. अरे नेहा 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 आँखी खोला नेहा ये का मजाक चलो उठा।
इंस्पेक्टर विजय। यस सर। ये शहर के सबसे खतरनाक शूटर की फाइल है, लो। अबू नाम से जाना जाता है ये। अब तक दर्जनों लोगों को अपनी गोली का निशाना बना चुका है। जब भी किसी काम को अंजाम देता है तो उसके पीछे सबूत नहीं छोड़ता, इसीलिए पुलिस अभी तक इसे पकड़ने में नाकाम रही है। पूरा शहर इसकी दहशत से कांपता है। पिछले दिनों इस शहर में जो एमपी माधव शुक्ला का मर्डर हुआ था उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है, और ये जिस काम को अंजाम देता है नकाब पहन के ही देता है, इसीलिए अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस नकाब के पीछे आखिर कौन हो सकता है सर? यह पता लगाना ही तो पुलिस का काम है, लेकिन इतना अनुमान लगाया गया है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं विधायक भानु प्रताप से है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों को इसने मारा है उनकी दुश्मनी विधायक भानु प्रताप से ही रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विधायक भानु प्रताप के लिए काम करता हो? हो सकता है। अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन एक ना एक दिन उसे कानून के गिरफ्त में जरूर आना पड़ता है। यह भी आएगा सर, जरूर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं बहुत जल्दी मैं इसको बेनकाब करके आपके सामने लाऊंगा। गो फॉर इट। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ला बेटा। बेटा तू ठीक था बड़ा ना? तुहार ड्यूटी कैसन चलत बा? अरे माई ड्यूटी एकदम बढ़िया चलता। टीआईजी साहब हमरा के एगो फाइल सौंपले बड़े, कौनो अब्बू नाम के एगो खतरनाक अपराधी बा जे पूरा शहर के नाक में दम कर देले बा। बस ओकरे बारे में सोचत रही कि वो के हो सकेला। और हाँ माई, आश्चर्य की बात ई बा कि आज तक पुलिस रिकॉर्ड में ओकर असली चेहरा ही नहीं की। काहे? काहे कि वो जितना भी मर्डर कैले बा नकाब लगा के कैले बा, वही से पुलिस रिकॉर्ड में जोन ओकर फोटो बा वो भी नकाब में बा। बेटा मुजरिम चाहे कितनो बचे की कोशिश करे कानून के लंबा हाथ ओकरे गिरेबान तक पहुंच ही जाला। कहा बीजे कहा तू पुलिस और कानून के बात में माई का झुरा कर रख ले बड़ा। हां कौनो दूसर बात करा ना। माई तू जा खाना पीना के इंतजाम करा, कहे से कि पुलिस वाला लोग के कामे उबा। पुलिस दरोगा कानून हवालात कोर्ट कचहरी दुका दुका बात करके खाली तोहरा का झुरई है। राजू अगर विजय के पता चल गई तू आफताब के साथ मिलके ई सब कर रहल बड़ा तो फिर का होई तू ही जानो। प्रीति जैसे विजय हमार दोस्त बाड़े वैसे आफताब भी हमार दोस्त बाड़े, और आफताब के हम कभी ना छोड़ सकेला। कहे कि पर्दा के पीछे को जो सच्चाई बा हम जानता नहीं। विधायक जी भला एकरा से बढ़िया का होखी कि हमनी के आपन दोस्ती के रिश्तेदारी में बदल दिहल जा। अश्वेता बिटिया जैसन बढ़िया बहू भला कौन माई बाप के स्वीकार ना होखी है? मतलब आपके रिश्ता मंजूर बा? अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल। विक्रम हमरो बहुत पसंद बा। बाकी सरकार अगर रहुआ बुरा न मानी तो एक बार अपन श्वेता बिटिया से भी यह रिश्ता के बारे में पूछ लिया जाए। अरे पागल श्वेता से पूछ लग। हाँ बोल। गड़बड़ हो गया सर, ब्याजी साहब आफ्ताब के फाइल विजय बाबू के हाथ में दे दिला बानी। रहुआ तो जानते बानी विजय बाबू के आजकल के करना में कबो कुछ हो सकेला सर। यही से हम सोचने कि ई खबर रउआ कान में फूंक दी।
ठीक कह ले तू दरोगा, लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। जयसन सरकार की इच्छा। अरे बेटी ला, बेटी हमारी हो गई ना। अरे बेटा अभी हम तारे चर्चा करत रहनी हा, ला इनका से मिला, ये हुए विक्रम चौधरी जी के बेटा। अरे तारे कॉलेज में पढ़ ले हुए हो, अच्छा से पहचानत बानी इंकरा के। अच्छा। ये तो और भी अच्छा बात, बाकी तू लोग एक दूसरा के जाने ला। वो कहा ना बेटा कि तार बिया हम विक्रम के संग तय कर ले। का शादी और इंकरा से? तीम इतना चौके के क्या बात है? देखा बेटा, एक न एक दिन तहर बेटी की शादी ब्याह करी के पड़ेला। हाँ, और वैसे भी तहार माई नहीं की था, ये जिम्मेदारी तमरा के लिए निभावे के पड़ेगी। कहो चौधरी। हाँ, कहे ना। बाबूजी, हम इंकरा से शादी ना कर सके। कहे से कि हम आफताब से प्यार करीला। श्वेता, आफताब? हम रहुआ के बतावे ही वाले रहे कि कुछ बतावे के जरूरत नहीं के। हम चौधरी साहब के जवान दे देले वाले। तोहार ब्याह जब भी होई विक्रम से ही होई। आफताब ससुरा औकात का बहु आफताब के जवान प्रताप के दबाद बनी ससुरा। आफताब के औकात रहुआ विक्रम के औकात से बहुत ज्यादा पा बाबूजी। काहे कि ये एक बार ना कई बार हमारा इज्जत पे हाथ डाले के कोशिश कर ले रहे, और हर बार आफताब हमरा के बचाव ले रहे। इसे हम जब भी शादी करब आफताब से ही करब। जा तो हर काम हो जाए, जा। हाँ श्वेता बोला। हम तोरा से मिले के चाहता नहीं अभी। लेकिन तू इतने घबराइल का है बाडू? हम मिलब तब बताए। ठीक बा बाबा, तू एगो काम करा, रात के नौका फार्म हाउस पे आजी हा। ठीक बा। बाय, लव यू। हमार बाबूजी हमार शादी विक्रम के साथ कर रहल बाड़न, जल्दी कुछ कर, हम तोहरा बगैर ना जी पाए। हमनी के एक दूसरे के मिले से दुनिया के कौनो ताकत ना रोक सकेला, तुमरा पे विश्वास रखा। आफताब, आई लव यू। देखा बरसाता बरखा के पानी, दोनों जानी के भीगे जवानी। हो देखा बरसाता बरखा के पानी, दोनों जानी के भीगे जवानी। जल्दी लगा बहना ए राजा, जल्दी लगा बहना। जल्दी लगा बहना ए राजा, जल्दी लगा बहना। तोहके जो है तो मर मर पतरी
के पानी बुझाता, जहां ना जाए के वहां ढुके जाता। झलकता भीग गई बंडी, छीके लगू तू जब लग जाई ठंडी। तोरा खानी लगे रही जदी मोर, बोला ना कैसे पकड़ ली ही सारा। आवो लगा दीना ए रानी, आवो लगा दीना ना, आवो लगा दीना ए रानी, आवो लगा दीना ना, तो छोड़ दी जवानी तोर पटरी छतरी, आवो लगा दीना तोहके जो है तो मोर मोर पटरी छतरी, जल्दी लगावाना तोहके जो है तो मोर मोर पटरी छतरी, जल्दी लगावाना। बोला भानु प्रताप। सुनो मंत्री, वो माधव शुक्ला के रास्ता से हटावे के कार्यक्रम तो ससुर बिल्कुल उल्टा पड़ गया यार। सुने में आवता कि पार्टी आई कमान ओकरा बेटा के टिकट दे रहल बा। हाँ, बात तो कुछ ओइसने बा। हमू कोशिश में लागल बानी कि एकरा के कौनो ना कौनो अड़ंगा लगवा के कैसहू रोकवावल जा सके। हाँ, तू रोका रोका, हम ससुरा के ठोकब आज के आज ठोकब ससुरा के। हम जानता नहीं भानु प्रताप, तुहू अपना राजनीति से बाज ना आई बा। वैसे हम काल आ रहल बनी तो इस विषय में बातचीत हुई। हाँ, ठीक बाबा। ए, अरे फोन कैले रहले अब तब बाकी। जी हुजूर, फोन कैले रहनी, अवते हुई। मतलब बबलू शुक्ला के भी? चौधरी, फुल एंड फाइनल। ससुरा बड़ा निर्दयी चीज होला राजनीति, कसम से निर्दयी चीज होला। और ऊपर से कुर्सी, एक बार जकरा कर लत लग जाए ना, ससुर मरे के बाद भी ना छूटे। कुर्सी चाही तो चाही कौन हालत में बस। हमार जरूरत पड़ गई ना बेटा। अरे अब तो बेटा, अब देखा ना बेटा, जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होला ना, टकराट भी हो जे होला, है ना? राजनीति ना, काम के बात करें। अरे बेटा बेटा बेटा, देखा लगा था कि तू अभी ले नाराज बड़ा। हाँ, काहे नोक पा, हम जाना था नहीं कि हम गलती कहीं, हमारा अफसोस पा, बहुत अफसोस पा बेटा। अरे भुला जाना तू, भुला जा। काम का बा पहले बताएं। अरे काना मोकर बेटा, बबलू शुक्ला, बबलू 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 शुक्ला। देखे बेटा, पार्टी ना बबलू शुक्ला के सहानुभूति में टिकट दे रहा बा, हाँ? लेकिन हम चाहता नहीं कि सहानुभूति पार्टी के साथ रह जाए और टिकट हमरा मिल जाए। हाँ? कहाँ मिली हो? पटना आ जा रहा बा, वापस ना लौटी। सलाम विधायक जी। ये हफ्ता हुआ तो एकदम रोबोट लिखा काम कर रहा था। करी का है ना रे? हाँ? अरे करी ने तो ससुरी मुठम रहते में वह ठोक दे। भैया जल्दी, हम करा मारी भैया जल्दी, हम आपके क्या बिगड़ रहे हैं भैया, हम का छोड़ दी। Thank you.
सर आपने मुझे याद किया? हाँ याद किया। कल क्या हुआ? अबु कौन है पता चला? सर मैं घटना स्थल पर अबू के चेहरे से नकाब उतार चुका था कि अचानक उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दिया और मैं उसे देख नहीं पाया। अच्छा, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के चला गया या तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो? सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं विजय, जब मैंने उसकी शक्ल देख ली तो तुम कैसे नहीं देख पाए? सर आप वहां कैसे? तो जानना चाहोगे कि अबू कौन है? क्यों नहीं जानना चाहूंगा सर, बताइए मुझे वो कौन है? अबू कोई और नहीं, तुम्हारा भाई आफताब है। आफताब ही अबू है। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा भाई आफताब? नहीं सर, मेरा भाई आफताब अबू नहीं हो सकता। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है विजय। ये जानते हुए कि अबू तुम्हारा भाई है, उसे कानून के सामने लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। यह रही उसकी आफताब से अबू बनने की पूरी फाइल। सर मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था उस नकाब के पीछे का चेहरा मेरा अपना भाई आफताब का होगा। लेकिन सर मैं आपसे वादा करता हूं, एक जिम्मेदार पुलिस अफसर होने के नाते कानून और वर्दी की हिफाजत के लिए अगर मुझे मेरे भाई के सीने पर गोली भी चलानी पड़ी तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुड। अरे बेटा आ गए ले, इतना रात के कहां से आवता रहा? का है आफताब आगिल का? अभी ना कुछ काम से गईल बा। काम से गईल बा? काश माई कब वो आफताब से भी पूछ लेते कि इतना रात के वो कहां जा रहा बा। पलक झपकते ही इतना रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी नौकर चाकर ऐसो आराम कहां से आयल? का बक रहल बाड़ा, आखिर तू कहे का चाहता रह? माई जोन हम कहे के चाहता नहीं तू सुन ना पाइबू। बोल के तो देखा, माई के कलेजा इतना कमजोर नहीं खे। तो सुना अबू की हो और ना तुहरा अपना बेटा आफताब ही अबू है। कहा आफताब? हाँ मई। ना हम सच कहता नहीं, ये ना हो सकेला। ना ऐसा ना हो सकेला, कहता ही झूठ बा, कहता ही झूठ बा, झूठ बाई। यह सचा मई। का झूठ बा माई, का बात बा? मत बोल हमरा के माई, आज से तोर माई मर गई। आज समझ में आ गई कि अपना और पराया में का अंतर होला। माई इका का तरू माई, का कहा तरू? काई सच नहीं खे कि तू ही अब्बू हवे? ई तो से के कहला? के कहला तो से विजय? अरे माई ई तो हमरा तरक्की से जलता। का हम तोरा तरक्की से जलता नहीं? अपनी पाप के कमाई के तरक्की करता रे? अरे तू माई के बेकूफ बना सकेले लेकिन एगो ईमानदार पुलिस अफसर के ना। अगर ये बात झूठ बा तो माई के सर पे हाथ रख के क्रिया खो और बोल कि तू अबू ना होवे। हाँ क्रिया का माई क्रिया इका कर तरु माई। तोहरा जैसन मुसलमान गलती करेला और दुनिया के सारा मुसलमान कौम बदनाम होला।
अरे हमार लाड प्यार में कौन कमी रह गई? जोन तू हमरा साथे इतना बड़ा धोखा कैला, हम तोरा खातिर कहाँ कहाँ ना कैला। कैसे बताई माई के कि आज हम जोन कुछ भी कही नहीं, माई के इंतकाम पूरा करे खातिर। बचपन में विजय के अलग सुता के हम तोरा के अपना कलेजा से लगा के सुतौनी। माई ना अपना घर में दिवाली मनौली तो ओकरा साथे ईद, एक तरफ होली मनौली तो एक तरफ रमजान, एक तरफ गीता के पाठ पढ़ौली तो दूसर और कुरान के, और तू हमरा साथे ऐसा विश्वासघात कैले कि हमरा पीठ पीछे हमार कबर को दे ले रे। माय ऐसे हमरा के जीते जी मार दे ले। माय माय हमरा के जीते जी मार दे ले। माय 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 चुप, एकदम चुप। अब कुछ बोले की जरूरत नहीं के, अब हम तो कोनो सफाई ना सुनब। अरे इतना में तो कोनो जंगली जानवर भी होस मान जाते रे, तू तब तो हम तक ऐसन गला घोट ले कि कोनो मातारी अपना बच्चा के कलेजा से लगावे से डराई। ए माई विजय ले चल हमरा के यहाँ से, नहीं तो ये पाप से बनल छत के नीचे हमार दम घुट जाई। चल ले चल ले चल हमरा के। ए माई ऐसे मत कर, अरे तोरा लिंग के सिवा हमार के बारे। ए माई ऐसे मत कर, माई ऐसे मत कर। हे माई ए माई हमरा के, माई ए माई माई ए ए ए विजय ए ए समझाओ ना माई के। ए विजय ए विजय आप ता पैर छोड़ा मार। ए ए विजय आप ता पैर छोड़ समझाओ ना माई के। ते हम कर दे पैर छोड़ माई। अरे जा लो सब लोग, सब जा यहाँ से, हम के क्यों ना चाहिए। अरे आज तू लो अपना और पराया में फर्क डाल देला, हम की क्यों ना चाहिए, ना चाहिए, हम के सजा मिले के चाहिए, मिले के चाहिए। जा लो हम के मरे दा। क्यों मुझे रुसवाई दी, क्यों किया मुझको जुदा, क्या मेरे इस बंदगी में थी कमी। मौला तू करम कर दे मुझ पे, तू रहम कर दे, बड़ी है बड़ी मुश्किल में जान। हर रिश्ते है सौदाई, बातों में बेवफाई कि बिखरे हुए है अरमान। तू कितना बेरहम है,
हंसाया उसी ने रुलाया, ऐसा रिश्ता क्यों रब ने बनाया, जो हंसाया उसी ने रुलाया, ऐसा रिश्ता क्यों रब ने बनाया। नहीं पहले जैसी बात तेरी हस्ती में, आके तू देख तेरी दुनिया का कैसा मंजर है, बेमुरव्वत है सब इंसानियत पे खंजर है, क्या ये कारीगरी तेरी या दुनियादारी है, या मेरी किस्मत के रेखा की ये लाचारी है, अब डराता है खुद का भी साया, अब डराता है खुद का भी साया, अब डराता है खुद का भी साया, ऐसा रिश्ता रब ने बनाया, जो हंसाया उसी ने रुलाया, ऐसा रिश्ता रब ने बनाया। सब खोया पर कुछ भी न पाया, ऐसा रिश्ता क्यों रब ने बनाया, जो हंसाया उसी ने रुलाया, ऐसा रिश्ता क्यों रब ने बनाया, ऐसा रिश्ता क्यों रब ने बनाया, ऐसा रिश्ता क्यों रब ने बनाया। कि मंत्री जी वो आफ्ताब हमने खातिर अब कोनो काम के ना रह गेल, कानून के नजर में ससुरा के चेहरा आ गेल बा, अगर ओकरा बारे में कुछ सोचल लग गेल ना तो बहुत डेंजर हो सकेला वो हमने के खातिर, और ऊपर से ओकर भाई विजयया ससुरा कानून के रखवाला समझेला अपना आपके। अच्छा होय विजयया आफ्ताब बा के ठोक देले रहे। शांत हो जा भानु प्रताप, शांत हो जा, राजनीति करे वाला के इतना गुस्सा शोभा ना देला, सब ठीक हो जाए। अरे खाक ठीक हो जाए, उदीने बोले रहले कि शुक्ला के बेटा के मार मारियो ने पहला ससुरा वल्लस के निशाना चुक गेल हमार, निशाना उसाना ना चुकल, विजया के देख के फट गेलो कर, हमरा तो डर लगा था कि कहीं विजया के सामने हमने के राज दो कल दबे अफतब्बा। तू चिंता मत करा, इस विषय में हम डीआईजी से अभी बात करब। कहो योकरा से मतलब का निकली हो कर? तू तो ये कहावत सुन ले होखबा कि लोहा के लोहा काटेला, हम ऐसन चाल चलब कि ओकरा के धोबी के कुत्ता बना देब, ना उ घर के रह जाई ना घाट के, तू देखत जा। हेलो। हेलो डीआईजी साहब। हाँ मंत्री जी। सुना है कि अब्बू के चेहरे के पीछे आफ्ताब निकला। एक्सक्यूज मी मंत्री जी, वन मिनट प्लीज।
जी मंत्री जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि अब्बू के चेहरे के पीछे आफताब निकला है। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री जी आपने। तो फिर क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है मंत्री जी, कागजी कार्रवाई के बाद उसको गिरफ्तार कर लेंगे बस। गिरफ्तारी क्यों, एनकाउंटर क्यों नहीं? सर मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, रोज इतने एनकाउंटर होते हैं शहर में, एक और सही मार दो इसे, तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, समझदार हो, जैसा कहा गया है वैसा ही करो, समझ गए? सर वो हेलो हेलो, अरे वाह मंत्री जी, तू तो सही में ओकरा कुत्ता बना देला हो। भानु प्रताप, राजनीति में जेकर कुर्सी जितना ऊंच होला उतना ही ऊ नीचे होला। आओ आफताब, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोली सर। का बात बा? तुम्हें यह जानकर दुख होगा आफताब कि जिन लोगों के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान लेने की कोशिश करते हो, वही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, और उन्होंने तुम्हें मारने की सुपारी दी है मुझे। सर ये कानून के पाठ हमके मत पढ़ाई, हमके पता बा कि हमार दुश्मन बा और कि हमार हमदर्द। अगर कोनो दूसर काम होके तय आफताब के जरूर याद करब। सलाम आफताब। जाने से पहले ये सुन लो, मैंने कहा है कि अब्बू के चेहरे के पीछे आफताब निकला है। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री जी आपने। तो फिर क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है मंत्री जी, कागजी कार्रवाई के बाद उसको गिरफ्तार कर लेंगे बस। गिरफ्तारी क्यों, एनकाउंटर क्यों नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, रोज इतने एनकाउंटर होते हैं शहर में, एक और सही मार दो इसे, तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, समझदार हो, जैसा कहा गया है वैसा ही करो, समझ गए? सर वो हेलो हेलो, जेकरा खाती चोरी करी उहे कहे चोर। मेरी सलाह मानो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सरकारी गवाह बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। सर अब रे अपन काम करी, और आज से आफताब अपन काम करी। सलाम। हम पुलिस वाले लोहे को लोहे से काटना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अरे कुत्ता के औलाद, बिहार से घसीटब और दिल्ली तक लेके जाइब। आफताब और तोरा नेतागिरी के भूत ऐसा उतारब कि तुरावियाला सात पुस्त भी राजनीति के नाम से घिनाई। हमारा इनकाउंटर के प्लान बनाओ तारे, तोरा पिछवाड़ा में इतना बारूद भर दे, इतना बारूद कि धमाका यहां होई और सरकार दिल्ली तक हिल जाए। होश में भरे तू, कब अकल भरे? जाए चल ना, तो तोरा बॉडी में इतना छेदा करा कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाए कि कौन छेदा कौना कामयाबेला। और सुन, ते और तोर होम मिनिस्टर पूरा ताकत लगा दस अपना सुरक्षा खाती, कैसे कि तहनी के पीछे अब तहनी के मौत के साया बन के मेड़ाइब, और तहनी के खोदल कब्र में तोहनी के दफनाइब।
बाबूजी। देख देख ले ले बेटी, देखी है आफ्ताब बा कैसन धमकी देखे गेल बा हमरा, और तू बेटा एकरे से प्यार करे ले। अरे ये भाई ससुरा के सच्चाई। सच्चाई तो राउर भी हमरा सामने आ गई बाबूजी, राउर चेहरा के असलियत हमरा सामने आ गई बा। आफ्ताब गलत नहीं थे, आफ्ताब के गलत बनौले बानी रहुआ। केहू काटा बोई तो फल कहाँ से खाई बाबूजी, जैसन कहले बानी वैसने भोगे के पड़ी। हम आफ्ताब के साथे बने। चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। हमरे जन्मला हमरे के सिखावे चला। चुप चुप, पक 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 यहाँ से। ससुरा सही कह जाला रे, वक्त बुरा इला पे साया भी साथ छोड़ दे वेला। इंस्पेक्टर विजय। यस सर। एक गुप्त सूचना के आधार पर हमें ये खबर मिली है कि चुनावी सभा को संबोधित करते समय आफ्ताब होम मिनिस्टर और विधायक भानु प्रताप दोनों को मारने वाला है। सुरक्षा के चारों तरफ कड़े इंतजाम करवा दो, और हो सके तो आफ्ताब को रंगे हाथों गिरफ्तार करो। यस सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आफ्ताब को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार कर लूंगा। फर्ज और कानून के हिफाजत के लिए अगर मुझे उस पर गोली भी चलानी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे सर। आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर विजय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। माई से थम के दूर कर देले, अब ते का चाहता रे। देख भाई, पुलिस के पता चल चुकल बा कि तू होम मिनिस्टर और विधायक भानु प्रताप के मारे वाला बाड़े। अपने आप के कानून के हवाले कर दे, ना तो एकर परिणाम अच्छा ना होई। ते हमके धमकी देता रे कि सला, अगर धमकी देता रे तो तोरा धमकी से हमरा पर कौनो असर पड़े वाला नहीं के, और सलाह देता रे तो ओकर कौनो जरूरत नहीं के। ते अपन काम कर, हम अपन करब, चाहे ओकर परिणाम कुछ भी होके। तो सुन भाई, के नाते समझावल हमार फर्ज रहे। अब तू इंस्पेक्टर विजय के सुन, अगर तू कानून के अपना हाथ में लेबे के कोशिश भी कैले तो हमरा पिस्टल से निकलल गोली ना देखी और ना सोची कि सामने वाला अपराधी के छाती हमरा भाई के है। तो चला दी है गोली, बाकी हम ओ दोनों राक्षसन के छोड़े वाला नहीं थी। कैसे कि जब हम एक बार ठान ली लेना तो घटना के अंजाम दे के ही दम ले ही ला। पगला गेल बड़े तू, अरे दिमाग खराब हो गेल बा तोर, बेमौत मरल चाहत बड़े तू। अरे हम तोरा भला खातिर सोचतानी, और तू तू समझत काहे नहीं के। अरे हम तोर भाई है, दुश्मन ना। बस कैसन भाई और कैसन रिश्ता। देखो कानून के रखवाला हुए और हम कानून तोड़े वाला मुजरिम। अरे तोर हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गई जहिया ते आफ्ताब के अब्बू के रूप में देख ले। बस तोर और मोर रिश्ता चल मान लेनी, पुलिस और मुजरिम खत्म हो गई। लेकिन वो माई के बारे में सोच के देख तू। अरे वो माई के का होई, जोन आज भी आफ्ताब के इंतजार में पल पल आंसू बहा दिया, लेकिन अब्बू के इंतजार में ना। देख भाई, अभी भी बकवा, सब ठीक हो जाए।
हम कहता नहीं, सब ठीक हो जाए बस तू अपने आप के कानून के हवाले कर दे। ई नहीं हो सकत। Thank you.
रुक जा आफ्ताब, तू हमरा के ना मार सकेलस। तू शायद नहीं खस जानत कि तोरा माई के नंगा वीडियो आजो हमनी भिरी बा। एने तू हमरा के मरबे और काल पूरा बाजार में उस सीडी फैल जाई, याद रखिए। आफ्ताब भाई, सीडी मिल गई, ठोक दस। आफ्ताब, कानून के अपना हाथ में मत ले। ना विजय ना, हम मिकरा के छोड़ दी जवन हम के हमरा माई और भाई से अलग कर दहलस। देख आफ्ताब, इस सब का फैसला कानून करी। नहीं, एकर फैसला आफ्ताब करी। तू के होवे एकर फैसला करे वाला? हम कहता नहीं, छोड़ दे एकरा के। अरे वजह के कैसे छोड़ दी जोन आफ्ताब से अपू बनावलास? हम एकरा के छोड़ दी? आफ्ताब हम कहता नहीं, बंदूक नीचे कर। विजय, ते हम के गोली मरबे, मार दे भाई। कहे से कि अब आफ्ताब के मौत से दोस्ती हो गई बाजार। अगर एकरा के छोड़ देनी ना तो माई के का जवाब दे? वल्लाह के का जवाब दे? विधान आफ्ताब, बच्चा ओकर पीछे ओकर कोनो गलती नहीं के, तू जे भी खेलस सब हमरा इशारा पे के। ओकर तोर माई के अश्लील वीडियो दिखा के मजबूर कैले रहनी बेटा, जेकरा चलते हमरा हाथ के कठपुतली बन गेल रहे। भले ही गोली चलावत रहे लेकिन ओकर बारो दम भरत रहनी बेटा। माई, ओकर कोनो गुनाह नहीं के, ओकर माफ कर दे बेटा। माई, माफ कर दिए माई, हम तो बात ना मननी, लेकिन ये बात के हम के खुशी बा माई, जवन मंत्री विधायक तो के बेइज्जत कइले और दोनों के मार देनी माई, और इंतकाम पूरा कर देनी, पूरा कर देनी माई, पूरा माई। हमके कौनो अब सोच नहीं के, अपने कहले पा, लेकिन एक बात के तकलीफ बा माई। तोरा ममता के आंचल भी अपने आफ्ताब के ना पहच
जान पौलस, लेकिन मैं एक बात कही, अगर माई के ममता में मजहब आ गई तो ममता के कोनो महत्व ना होला। ऐसे तो इस्लाम धर्म में लोग मरते ही जन्नत मांग लेला, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करब, या अल्लाह अगला जन्म अगर मिले ता तोरा आचल के साथ साथ तोरा भूख से भी पैदा हुई। तोरा बेटा, बेटा तोरा की कुछ ना हुई, तोरा की कुछ ना हुई। विजय भाई, विजय, विजय तो की कुछ ना हुई भाई। आज हमरा तोरा पर फख्र बा, जो ईमान के सच्चा होला वही सच्चा मुसलमान होला। आज तोरा जैसन मुसलमान पर सारा दुनिया कुर्बान बा भाई। अरे जौन काम हमरा के करे के रहे वो तू कर दे ले भाई। भाई अगर आज आफ्ताब के कुछ हो जाए तो हम अपना आपके सारा जिंदगी माफ ना कर पाए। विजय का हो गया हमरा हाथ। अरे बेटा आफ्ताब जा बेटा, नहीं तोरा के कुछ ना हो, जल्दी एम्बुलेंस लेके, एम्बुलेंस भाई, डॉक्टर जा बेटा, डॉक्टर जा बेटा, तोरा के कुछ ना हो बेटा। अदालत इंस्पेक्टर विजय के सामने विधायक भानु प्रताप के मरते समय दिए गए इकबाले बयान को सुनने और उसके वीडियो देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि अब्बू उर्फ आफ्ताब को विधायक भानु प्रताप ने उसकी मां का अश्लील वीडियो दिखाकर उसे गुनाह करने पर मजबूर किया। इसलिए ये अदालत उसे एक मजबूर और गुमराह युवक मानते हुए सुधरने का एक और मौका देती है, लेकिन साथ में जाने अनजाने उसने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए यह अदालत उसे 5 साल की सजा सुनाती है। भाई, सलाम भाई। विजय अरे यार अब तू लोग जालो हमारे के हनीमून के तैयारी करे दलो। जहिया से दिहल तू नजरिया से नेवता, जहिया से दिहल तू नजरिया से नेवता, कहिए से मन पगलाई ले बा, तुहरा दुपट्टा के नीचे ये देवता, दिलवा बेचारा बेचारा।